ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पे हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। दोस्तों आज हम आपको 1 रुपये के सिक्के से होने वाला एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हम आपको पहले ही ये बता दें कि ये उपाय पूरी तरीके से गुप्त है और अगर यदि आप चाहते हैं कि इसका फल आपको मिले अच्छी तरीके से तो इसे आप गुप्त ही रखें, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे यदि आप पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इन उपायों की ज़रूरत है वह भी इन उपायों का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। आपको करना यह है कि आपको 1 रुपये के 9 सिक्के लेने हैं, यानी 1 रुपये के 9 सिक्के, कुल मिला के वह 9 रुपये हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इन पर गंगा जल छिड़कना है, इन्हें पवित्र कर देना है, थोड़ा अक्षत और थोड़ी रोली डालनी है। दोस्तों उसके बाद आपको ये 9 सिक्के अपने तकिया के नीचे रखना है और रात को सो जाना है। लगातार 9 दिन तक आपको यह कार्य करते रहना है। उसके बाद जब 10वां दिन होगा तब आपको छोटी छोटी 9 कन्याओं को, जो कि हमारे धर्म में यानी सनातन धर्म में देवियों का रूप माना गया है, 10 वर्ष से कम की होनी चाहिए वह 9 कन्याएँ, उन कन्याओं को आपको हलवा पूड़ी खिलाकर, हलवा और पूड़ी खीर भी खिला सकते हैं। आपको ये 1-1 रुपये का सिक्का उन 9 कन्याओं को 1-1 करके दे देना है। और दोस्तों इसके बाद आपको 10वें दिन ये करना है कि आपको एक नारियल लेना है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और माँ लक्ष्मी का जो भी मंदिर हो आपके घर के निकट वहाँ जाके आपको यह चढ़ा देना है। और उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ मेरे घर में आके विराजें, सारी विघ्न बाधा रुकावट खत्म करके, नकारात्मक ऊर्जा खत्म करके अब मेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर दें और आशीर्वाद दें कि मैं हर कार्य में सफल हूँ और आपके आशीर्वाद से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करूँ आपकी छत्र छाया में। यह कह के आपको वापस आ जाना है दोस्तों, और 21 दिन के भीतर ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, आपके नए नए रास्ते खुलेंगे धन आने के, और धीरे धीरे आपके पास इतना धन आने लगेगा जितना आपने पहले सोचा भी नहीं होगा, ना ही कभी देखा होगा। लेकिन बस याद रखें कि ये पूरी तरीके से गुप्त है, तो इसे गुप्त रख के ही करें, अपनी खुशी जाहिर करने के चक्कर में किसी को ये बता ना दें, अन्यथा इसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। दोस्तों और एक बात और, जब आप ये सिक्के 9 दिन के लिए अपने तकिया के नीचे रख के सोएंगे तो आपको हर दिन इन्हें अपने तकिया के नीचे रखने के बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी मेरे घर में आके विराजें और सारे दुख कष्टों को हर के मुझे अपने छत्र छाया में ले लें और आशीर्वाद दें मैं हर काम में सफल हूँ। ये प्रार्थना आपको हर दिन 9 के 9 दिन करनी है सोने से पहले, सिक्कों को तकिए के नीचे रखने से पहले, दोस्तों रखने के बाद मतलब। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप कर्म जरूर करते रहें अपने, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, और फिर देखें आपको ये 1 रुपये का सिक्का कैसे करोड़पति या माला माल बना देगा। हमारे चैनल चमकती किस्मत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।